और इसी बीच बड़ी अपडेट, बांदू के विधायक भागचंद ताकड़ा के खिलाफ वन कर्मियों ने कराया मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नाकाबंदी के दौरान वन कर्मियों द्वारा बजरी के भरे हुए ट्रैक्टर को रोका गया था, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए बांदू के विधायक यानी कि वर्तमान भाजपा सरकार के विधायक भागचंद ताकड़ा कुछ समर्थकों के साथ यानी कि कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वहां मौका स्थिति पे जाकर और अवैध रूप से जो बजरी खनन किया जा रहा था उसको वन कर्मियों ने जो जब्त किया ट्रैक्टर को छुड़वाने का विधायक द्वारा प्रयास किया गया था। यानी कि विधायक इस हद तक पार हो गया कि वन कर्मियों के अधिकारियों की जेब में जबरदस्ती पैसे डालते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उनके कुछ साथी यानी कि विधायक के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो वनकर्मी महिला है उनसे भी अभद्रता की, यानी कि गाली गलौच में एक महिला वनकर्मी के साथ इस प्रकार से यानी गंदा शब्द का जो इस्तेमाल किया एक विधायक बांदी हुई भागचंद काकड़ा यानी कि भागचंद सैनी ने, जो वनकर्मी अधिकारी है उनके साथ भी किस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि एक विधायक वर्तमान भाजपा सरकार के विधायक ने एक गंदा शब्द का उपयोग किया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए वन कर्मियों ने यानी धरना प्रदर्शन किया, स्थानीय बसुआ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन राजनीति के चलते हुए यानी कि भाजपा सरकार का दबदबा को देखते हुए बसुआ एसएचओ ने मुकदमा दर्ज करने से साफ तौर पर मना कर दिया। उसी को ध्यान में रखते हुए वन कर्मियों ने यानी कि जो राजस्थान के जितने भी वन कर्मी है उन्होंने दौसा धरना प्रदर्शन दिया। 8 से 10 दिन ये धरना प्रदर्शन वहां पर जारी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बसुआ थाने ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया था। लेकिन आपको बता दें कि परिवादी ने यानी कोर्ट की शरण ली, परिवादी का जो यानी एडवोकेट राजेंद्र गुजर ने आज यानी कोर्ट के द्वारा बसुआ बांदी के विधायक भागचंद ताकड़ा के खिलाफ कोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया। आपको बता दें कि राजेश शर्मा रेंजर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। रेंजर राजेश, क्या कुछ मामला है, बांदी के विधायक ने आपके वन कर्मियों के साथ मारपीट की जिसका मुकदमा आज दर्ज हुआ है? जी जी, क्या मामला है पूरा? मामला ये था कि 6 तारीख की घटनाक्रम था, 6 तारीख को मैं अपने स्टाफ के साथ में बसुआ से जाजीरामपुरा में जो लोकुश वाटिका बनी हुई है उसको देख का निरीक्षण कर प्लांटेशनों का निरीक्षण कर वापस आ रहा था जी। जब हम वापस स्टाफ के साथ आ रहे थे तो कालेड चौराहे पे हमको एक ट्रैक्टर अवैध रूप से बजरी का आता हुआ मिला, जिसको इशारा कर रोकने की कोशिश की तो उसने भगाया और भगा करके पास ही करीबन 100-200 मीटर दूरी पर एक खेत में मकान के पीछे खड़ा करके ड्राइवर चाबी लेकर के भाग गया जी। उसके भागने के पश्चात हमने काफी देर तक उसका इंतजार किया कि आ जाए, पर वो एक मकान में जिसमें था उसी में छड़ा हुआ था, पर वो नीचे उतर के नहीं आया। हमने मौके पर ट्रैक्टर को सीज की कार्रवाई की, फरजप्ती बनाई और फरजप्ती बनाने के बाद में स्टाफ के साथ उसको सुरक्षित खड़ा करने हेतु थाना बसुआ लेकर के आ रहे थे जी। बसुआ स्टैंड के पास ही विधायक महोदय अपने समर्थकों के साथ आए और गाड़ी को आगे लगाकर ट्रैक्टर को रुकवा लिया। ट्रैक्टर को रुकवाने के बाद उसको मौके पे खाली करवा के ट्रैक्टर को तो पहले भगाया, फिर हमारे साथ गाली गलौज थप्पड़ लप्पड़ मारना चालू किया। एक हमारी महिला वन रक्षक थी वो इस सारी घटना का वीडियो बना कैद कर रही थी, वीडियो बना रही थी जी। तो उसके साथ भी अभद्र व्यवहार, गाली गलौज करके उसका हाथ पकड़ के नीचे उतारा और उन्होंने मोबाइल को खोस लिया और अपने पास ही रख लिया। इसके बाद में विधायक महोदय ने कुछ पैसे ला करके मेरी जेब में जबरदस्ती रखे और मेरे को गाड़ी से खींच के नीचे डाल दिया, फिर पब्लिक ने मेरे को अच्छी तरह पीटा। तो मौके पर पुलिस एसएचओ बसुआ और उनके कर्मचारी आए, उन्होंने मेरे को वहां से छुड़ा करके अपनी गाड़ी से मेरे को थाने लेके गए। धीरे धीरे करके एक एक कर्मचारी को हमारे थाने लाया गया। राजेश, विधायक ने एक आरोप लगाया कि ड्यूटी के दौरान आप लोगों ने शराब पी रखी थी, ये बिल्कुल निराधार और असत्य है। पूरा स्टाफ साथ में था, हमने हमारे अधिकारियों से भी मौके पे बात की, मौके पे बुलाने की कोशिश की, लेकिन किन्हीं कारणवश हमारे अधिकारी किसी काम में बिजी थे पर वो नहीं आ पाए जी। पर विधायक ने हमारा मेडिकल भी करवाया जी, मेडिकल करवाया तो विधायक खुद डॉक्टर को लेकर के आया था। डॉक्टर ने अपने दवा में क्या रिपोर्ट दी है इसका तो मैं खुलासा नहीं कर सकता जी। लेकिन सुबह हमने जब ये सारी घटनाक्रम हमारे उपवन संरक्षक महोदय दोसा को जब दी तो उपवन संरक्षक महोदय ने भी हमारा मेडिकल करवाया है और उसकी रिपोर्ट हमारे पास में है और हमने जो हमारे विभागीय अध्यक्ष महोदयों को दे चुके हैं उस रिपोर्ट को।
इस क्रम में हमने जब तहरीर थाने में दी तो तहरीर लेकर के हमारी लेख के रख तो ली, लेकिन हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जी। जब मुकदमा दर्ज नहीं किया तो हमको जरिए इस्तगासा पेश किया हमने अदालत में, जिसमें आज ये कोर्ट माननीय कोर्ट ने एफआईआर करने के आदेश प्रसारित किए हैं। मैं चाहता हूं आपकी ओर से पैरवी की है किन कौन एडवोकेट? राजेंद्र सिंह जी गुर्जर जी हमारे एडवोकेट हैं जी। जी सर, थैंक यू राजेश जी। तो आपने सुना, ये है राजेश शर्मा रेंजर वन कर्मी अधिकारी, जिन्होंने पूरी आपबीती सामने बताई। एक विधायक जो कि एक स्थानीय विधायक है, उन्हें यानी नियम कानूनों की पालना करनी चाहिए, लेकिन इतने छोटे शब्द का इस्तेमाल करते हुए वन कर्मियों के साथ मारपीट भी की है, जिसका मुकदमा आज कोर्ट द्वारा बसवा थाने में भिजवा दिया गया है। और क्या कुछ इसमें अपडेट आती है हम आपको बताएंगे। जब तक बने रहिए न्यूज 19 पर। नमस्कार।